हेलो बच्चों, एबीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि अभी तक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए, जिसमें चैप्टर फर्स्ट के पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसमें मुख्य परीक्षा में आपके इस चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर और मिनिमम दो शॉर्ट आंसर पूछे ही जाते हैं। लॉन्ग तो पक्का पूछा जाता है और शॉर्ट दो से तीन इसमें से आते ही आते हैं। और लॉन्ग में कभी कभी आता है सचित्र वर्णन, और मोस्टली चांस रहते हैं कि इसमें से कोई एक चित्र ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि एक नंबर का होगा। इसमें चार क्या कहते हैं आपके ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शंस को टिक करना होगा। जो सही उत्तर हो आपको उसको टिक करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुभुजता की खोज की गई। पहला ऑप्शन है इसका लेवेनहॉक द्वारा, दूसरा है पी महेश्वरी द्वारा, तीसरा है विंकलर द्वारा और चौथा है कूपर द्वारा। तो पहले जान लेते हैं कि बहुभुजता होता क्या है। सामान्यतः देखा जाता है कि सामान्यतः होता क्या है कि एक बीज में भ्रूण की संख्या एक ही होती है, ठीक। लेकिन किसी कारणवश किसी बीज में एक से अधिक मीन्स कि कई भ्रूण एक साथ बन जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं बहुभ्रूणता। और इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी? लेवेनहॉक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुभ्रूणता की खोज की गई तो लेवेनहॉक द्वारा। चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, पहला ऑप्शन है राम उदार द्वारा, दूसरा है बी एन प्रसाद, तीसरा है पी एन मेहरा और चौथा है पी महेश्वरी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक मीन्स कि भारत में भ्रूण विज्ञान की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पी महेश्वरी। डॉक्टर पी महेश्वरी ही थे जिन्होंने क्या कहते हैं भारत में सर्वप्रथम भ्रूण विज्ञान की नींव डाली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार। आपको इसमें सही आंसर देना है। आप अपने हिसाब से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए समझ लेते हैं कि एक पराग कोष की लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है, उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है। लघु बीजाणु धानी यानी पराग लघु आवृत बीजी के पराग कोष की लघु बीजाणु धानी पराग कोष की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें लघु बीजाणु धानी की पोजिशन ये होती है, एक दो तीन चार। और ये यहाँ पर होता है संवहन पुल यानी संवहन होता है कि यार वैस्कुलर बंडल, जिससे ये पूरे कनेक्टेड रहते हैं, जो इसको एक सपोर्ट प्रदान करता है, मीन्स कि इसी पर ये टिका रहता है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये है लघु बीजाणुधानी पराग कोष में। लघु बीजाणुधानी अगर इस प्रकार है तो आप देखिए कि इसमें इनकी संख्या कितनी है, काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार। अब इस फिगर के हिसाब से आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आवृत बीजी पराग कोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर चार, लघु बीजाणु धानियों पराग कोष की संख्या चार सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर। आवृत बीजी पौधों में बताना है कि पुंकेसर होता क्या है, मादा जननांग, नर जननांग या तीसरा ऑप्शन से का खा दोनों, मीन्स कि मादा जननांग और नर जननांग दोनों होता है आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर, या घा, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो
आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है नर जननांग, और मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। मादा जननांग कहलाता है स्त्री केसर, ठीक। और नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर। आइए इसको इस फिगर, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जो नर मादा जननांग होता है, मादा जननांग में मुख्य भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय, और ये है मादा जननांग का चित्र जिसमें ये सभी भाग उपस्थित है। तो ये पोर्शन जितना है ये कहलाता है मादा जननांग। और नर जननांग जिससे पराग कणों का निर्माण होता है, और ये जायांग और ये अंडाशय होता है इसमें, जो मादा जननांग का मुख्य भाग होता है। और ये इसके जस्ट बगल में ये जो संरचना दिख रही है ये कहलाते हैं पराग कोष। इन्हीं को बोलते हैं पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर क्या हो गए? आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग पुंकेसर कहलाते हैं। तो आंसर क्या इसका सही हो जाएगा? आंसर नंबर था नर जननांग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी पौधे के मूल में गुणसूत्रों की संख्या है 24 है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इन ऑप्शंस को आपको देखना और बताना है कि इसके अनुसार कि मूल में अगर 24 गुणसूत्र हैं तो गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में 12 होगी, जड़ में, जड़ कोशिका में 12 होगी, या युग्मक में 24 होगी, या भ्रूण में 48 होगी। तो पौधे में जो मूल यानी कि जड़ भाग होता है वो कायिक भाग होता है, और कायिक भाग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कायिक भाग में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, इसी को बोलते हैं द्विगुणित या 2n, इसी को 2n से डिनोट भी करते हैं। तो इसकी संख्या दे रखी है 24, तो हमें क्या कहते हैं आगुणित यानी कि n की संख्या इसमें से निकाल लें, n की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 बटे 2 आ जाएगा 12। हम जानते हैं कि पौधे में युग्मक जो होता है ये होता है पौधे का जनन अंग, और जनन अंग में गुणसूत्रों की संख्या होती है आगुणित। आगुणित का मतलब होता है आगुणित का मतलब होता है। तो अभी यहाँ पर n की वैल्यू हमने निकाली, n की वैल्यू हो गई 12, तो आगुणित बराबर 12 यानी कि युग्मक में 12 होने चाहिए, उस हिसाब से तो ये आंसर सही है। चलिए और क्या कहते हैं ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जड़ कोशिका में 12, जब यहाँ पर बोल ही रहा है कि मूल में 24 गुणसूत्र होते हैं तो मूल का मतलब ही जड़ होता है, तो जड़ कोशिका में 12 ये ऑप्शंस गलत हो गया। युग्मक में 12, अगर युग्मक में 24, युग्मक में अगर 12 सही है तो युग्मक में 24 तो होंगे नहीं, 24 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब मूल में मूल होता है 2n2, मूल में गुणसूत्रों की संख्या 24 दे रखी है, तो युग्मक होता है आगुणित यानी कि n, तो इसमें 24 हो ही नहीं सकते, इस हिसाब से ये भी आंसर गलत हो गया। फिर अगले विकल्प को चेक करते हैं, फोर्थ, भ्रूण में 48 गुणसूत्र, भ्रूण में 48 गुणसूत्र, तो भ्रूण के बारे में जान लेते हैं। भ्रूण होता है त्रिगुणित, त्रिगुणित यानी 3n, तो हमने यहां पर n की वैल्यू निकाली 12, तो इस हिसाब से 3 × 12 n की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो 36, यानी कि भ्रूण की अगर संख्या यहां पर 36 दे देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन यहां पर 48 दे रखा है, तो इस हिसाब से ये भी आंसर गलत है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह घुमा के पूछ लेते हैं, यदि किसी पौधे के मूल में 24 गुणसूत्र हैं तो उसके भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अगर आपको ये बेसिक्स पता है तो आप इस हिसाब से निकाल लेते और इसका आंसर क्या हो जाता? तो भ्रूण में हो जाते 36 गुणसूत्र। तो इस हिसाब से आपका
इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? आंसर नंबर एक, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, इसका स्पष्टीकरण भी यहीं पर दे रखा है। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एबीएस की पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसको आप क्या कहते हैं सुरक्षित रख लीजिए, जो कि एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और इन क्वेश्चनों को एक जगह सुरक्षित करके रखिए और लास्ट में इन्हीं का रिवीजन कर लीजिए, बस आपको और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों और आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुष्प में दल क्या का, दल का यानी दल को करोला बोलते हैं इंग्लिश में, का क्या कार्य है? दल यानी कि मान लीजिए कोई एक पुष्प, ये पुष्प बनाए दे रहे हैं, ये पुष्प हो गया, ठीक, और ये हो गए आपके उमंग और जायांग पोषण, यहां पर पाया जाता है पुष्प में। तो पुष्प में दल का कार्य क्या होता है? दल का कार्य क्या है? पहला तो ये जो ये आपको पंखुड़ियां दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं दल। इसी को क्या बोलते हैं? दल, या इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, ठीक। ये हमेशा अगर आपने कोई भी फूल देखा होगा तो वो आपको दूर से ही चमकीला चटकीला विभिन्न कलरों का दिखाई देता है, जैसे कि बहुत लाल बैगनी इस टाइप का, वो उस पुष्प के दल में या पंखुड़ियों में वो कलर किस लिए मौजूद होता है? वो कलर होता है इसलिए है कि वो दूर से दिखाई पड़े, दूर से दिखाई देगा, जिसकी वजह से कीट तितली तथा कुछ छोटे जो सूक्ष्म पक्षी होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, वे पक्षी या कीट या तितलियां आकर्षित होती हैं उस पुष्प के दल भाग को देखकर और उसके पुष्प पर आकर बैठती हैं। पुष्प में एक भाग होता है वर्तिकाग्र, जो कि क्या कहते हैं, वहां पर उस कीट या पक्षी या तितली के पैर या पंख पर पराग कण अगर चिपके रहते हैं तो वो वर्तिकाग्र के द्वारा अंडाशय में पहुंच जाते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं निषेचित हो जाता है। तो एक कार्य तो ये हो गया पुष्प, पहला कार्य इसका क्या होगा? दल, पुष्प दल रंगीन व चटकीले चमकीले होते हैं, जो कि मुख्यतः कीट परागण के लिए कीट आदि को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, तो आकर्षित करने का कार्य करेंगे। दूसरा, जैसे कोई पुष्प है तो उसकी कलिका अवस्था होती है, कलिका अवस्था में उसका कार्य क्या होता है? ये मान लीजिए एक कली है, ये कली है, तो कलिका अवस्था में उसका कार्य क्या होता है? इसी कली के अंदर का एक भाग होता है जो कि क्या कहलाता है, दल। तो इस दल के अंदर उस पुष्प के समस्त जननांग उपस्थित होते हैं, तो कलिका अवस्था में उस पुष्प के जनन अंगों की जो रक्षा करने का कार्य, मीन्स कि ये जो जनन अंग है ये इनकी रक्षा करने का कार्य दल का होता है। तो इसके 2 कार्य हमको लिखने थे, पुष्प में दल का क्या कार्य है? तो पहला हो गया पुष्प दल रंगीन व चटकीले चमकीले होते हैं, जो कि मुख्यतः कीट परागण के लिए कीटों आदि को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। दूसरा, कलिका अवस्था में जननांगों की रक्षा करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसके पहले क्वेश्चन आया था, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु पराग कोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या, तो उसमें चित्र बनाकर बताया था। तो उसी चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि लघु बीजाणु धानी में भीतरी परत क्या होती है, उसका क्या नाम है तथा उसका कार्य क्या है। मान लीजिए लघु बीजाणु धानी
ये पुष्प की लघु बीजाणुधानी हो गई, ये हो गया संवाहन ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं, ये लघु बीजाणुधानियां बन गई। लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी बताई ही थी कि चार होती है। इसके किसी एक भाग को हम ले लेते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले मान लीजिए ये भाग हमने कट कर लिया, अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर बताते हैं इसकी भीतरी परत में क्या होता है और इसका कार्य क्या है। सबसे बाएं परत होती है एपिडर्मिस, जिसको बाएं भित्ति भी बोलते हैं। उसके बाद एक परत होती है एंडोथीसियम की, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट बाद की होती है। एंडोथीसियम के बाद एक तीन स्तरीय परत होती है जो कि मध्य स्तर कहलाता है। ये तीन स्तरीय परत हो गई मध्य स्तर, और इस मध्य स्तर के बाद एक लंबी कोशिकाओं की संरचना होती है। ये इन्हीं कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है। इन कोशिकाओं को कहते क्या है? इन कोशिकाओं को बोलते हैं टेपिटम, जो कि इसका सही आंसर है। टेपिटम, टेपिटम सबसे भीतरी परत होती है, और भीतरी परत के बाद जो इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में ही परागकण सुरक्षित रहते हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत कहलाती है क्या? टेपिटम। यह लघु बीजाणुधानी या पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि ये टेपिटम, ये जो लघु बीजाणुधानी है, इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है पराग लघु बीजाणुधानी को, तथा इनमें पोषण प्रदान करने का कार्य भी इसी इन्हीं कोशिकाओं का होता है, जिनको बोलते हैं टेपिटम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक तथा कितनी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो इसका आंसर है कि इसमें सात कोशिका। वह आठ केंद्रक, सात कोशिका व आठ केंद्रक होते हैं। सात कोशिका व आठ केंद्रक होते कैसे हैं? आइए इसको हम आगे आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक भ्रूण कोश है, तो भ्रूण कोश में एक केंद्रक है, एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के पश्चात माइटोसिस में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के पश्चात एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। फिर इसमें क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। ध्रुवीकरण के प्रक्रिया के माध्यम से ये के एक केंद्रक ऊपर चला जाता है, एक केंद्रक नीचे आ जाता है, में से एक दक्षिणावर्त एक उत्तरावर्त, ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं ध्रुवीकरण के बाद। फिर इसमें माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। फिर इसमें एक बार माइटोसिस होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। चार केंद्रक ऊपर चार केंद्रक नीचे हो जाती हैं, मीन्स कि पहले एक केंद्रक था माइटोसिस, वह दो केंद्रक बने, फिर इनका ध्रुवीकरण हुआ, ध्रुवीकरण के पश्चात एक केंद्रक ऊपर चला गया, एक केंद्रक नीचे चला गया, फिर माइटोसिस की प्रक्रिया इसमें आरंभ हुई। एक केंद्रक से जो एक ऊपर की ओर था उससे दो केंद्रक, तथा नीचे भी जो एक केंद्रक था उससे दो केंद्रक का निर्माण हुआ। फिर से इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे दो से चार केंद्रक का निर्माण हो जाता है, चार केंद्रक का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का कार्य यह होता है कि जो समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो केंद्रक का निर्माण हो गया,
केंद्रक का निर्माण तो हो गया, केंद्रक के निर्माण के पश्चात कोशिका का निर्माण कैसे आरंभ हो, यह कार्य होता है क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन का। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो तीन चार कोशिकाएं हैं, चार में से तीन कोश चार में से ये जो चार केंद्रक हैं, चार में से तीन केंद्रक तो यही रह जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव पे ही। और ये जो एक ये दोनों के और हैं, यानी कि चौथा सेट, ये ध्रुव यानी कि मध्य की ओर आना चालू कर देता है। मीन्स कि उत्तरी वाला भी और दक्षिणी वाला भी, एक उत्तर दिशा से एक दक्षिण दिशा से आकर मध्य में आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें तीन ऊपर तथा तीन नीचे कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। तीन केंद्रक से तीन कोशिका नीचे, तीन केंद्रक से तीन कोशिका ऊपर बन जाती है, तथा मध्य में जो ये दो केंद्रक हैं, ये एक ही कोशिका में समाहित हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक कोशिका अलग कलर से दिखाते हैं, एक कोशिका दो तीन, ये चार पांच छ सात। अच्छा, कोशिकाओं की संख्या तो इसमें चार हो गई, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात कोशिका हो गए। लेकिन ऊपर तथा नीचे जितनी ऊपर तथा नीचे की कोशिकाओं में एक एक केंद्रक थे, लेकिन जो मध्य में है इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी है, दो दो केंद्रक हैं। तो इस हिसाब से सात केंद्रक, आठ केंद्रक तथा कोशिकाओं की संख्या कितनी, सात कोशिकीय। सात सात कोशिकीय व आठ केंद्र की, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आभासीय या मिथ्या फलों यानी फॉल्स फ्रूट्स के कोई दो उदाहरण लिखिए। पहले जान लेते हैं कि आभासीय फल या सत्य फल होते क्या हैं। तो सत्य फल वे फल होते हैं जो निषेचन के बाद अंडाशय से फल में विकसित हो जाते हैं, उन्हें सत्य फल कहते हैं। मीन्स कि निषेचन के पश्चात जो अंडाशय से डायरेक्ट जिनका निर्माण हो जाता है वे सत्य फल कहलाते हैं। सत्य फलों के उदाहरण में हो जाएगा जैसे आम हो गया, कीवी हो गया, नाशपाती हो गया, खरबूजा, ये सभी सत्य फल के उदाहरण। असत्य फल जब फल का निर्माण क्या कहते हैं, अंडाशय से छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग, यानी कि सत्य फल का निर्माण तो होता है कि अंडाशय से, लेकिन जब अंडाशय से छोड़कर फल के किसी फूल के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है, जैसे वाय दल पुंज, दल पुंज, पुष्पाशन आदि से हो जाता है, तो उसे बोलते हैं असत्य फल। असत्य फल जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, बीजहीन होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, असत्य फल होते हैं जो बीजहीन होते हैं। इसके उदाहरण हो गए स्ट्रॉबेरी, शहतूत, जैक फल, इसको कटहल यानी कि लौकी, ककड़ी आदि। मीन्स कि ये सभी उदाहरण हो गए आपके असत्य फल के। आम, कीवी, प्लम, नाशपाती, खरबूजा, संतरा, अंगूर आदि ये हो गए आपके सत्य फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, क्या लिख देते हैं कि उनको लगता है कि जलीय परागण जल में परागित होने वाले पौधों में वो लिख देते हैं जलकुंभी या कमल, जबकि जलकुंभी और कमल का जो पुष्प होता है वो हमेशा पानी की सतह से ऊपर बनता है और एक स्टेम से ऊपर रहता है। तो इसमें जल परागण तो नहीं होगा, इसमें होता क्या है, इसमें कीट परागण होता है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है और बहुत से बच्चे यही गलती करके आते हैं। और 2023 22 23 2022 और 23 का जो आपका 12th का एग्जाम हुआ है यही क्वेश्चन पूछा था सेम, कि जल परागण करने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखिए। तो उसका इसके जो एग्जाम्पल है हाइड्रा है,
हाइड्रिला है, ईल घास हो गई, कॉर्नटेल हो गई, वैलिस नेरिया। तो आप इनमें से किन्हीं दो या हो सके तो चारों के नाम याद रखिएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हाइड्रिला ही रखते हैं कि जलीय परागण करने वाले निम्नलिखित में से जलीय परागण करने वाला पौधा है। एक ऑप्शन देगा हाइड्रिला और इसके साथ तीन अन्य ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको याद रखना है ये वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक का है, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए, मीन्स कि आपको बताना है परागण तथा निषेचन में क्या अंतर है। पहला इसमें डिफरेंस है, पहला अंतर है देखते हैं। परागकोष से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कीट व पक्षियों के पंख व पैर में पराग कण चिपक जाते हैं, जो कि उनको पुष्प पे जब वो बैठते हैं तो उनके वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, जिससे उसमें परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे पुष्प पराग क्या कहते हैं निषेचित हो जाता है। तो पराग कण का डेफिनेशन हो गया पहला कि पराग कोष से पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागण कहलाती है। निषेचन में क्या होता है, अगुणित नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं निषेचन। अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण पर परागण, और एक परागण और होता है, नहीं मेनली दो ही होते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण। इसी प्रकार निषेचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक एकल निषेचन तथा दूसरा द्विनिषेचन होता है। तीसरा इसका अंतर क्या हो गया, जो परागण की प्रक्रिया है अनेक माध्यमों द्वारा हो सकती है, जैसे कि वायु परागण द्वारा, जल परागण, कीट परागण आदि द्वारा हो सकती है, जबकि निषेचन की क्रिया इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन में कोई माध्यम कार्य नहीं करता है। लास्ट इसमें अंतर क्या है, वह क्रिया या जो क्रिया होती है परागण की क्रिया जो होती है ये बीजांड के बाहर होती है, मीन्स कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है मेनली बीजांड के बाहर होती है, जबकि निषेचन की क्रिया क्या होती है, निषेचन में अंडाणु शुक्राणु से जब फ्यूज्ड होता है तो निषेचन की क्रिया कहलाती है, मीन्स कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, जबकि परागण में यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। तो परागण और निषेचन के जो मुख्य अंतर थे वे यहाँ पे बता दिए गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन होता क्या है, अनिषेक फलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसमें कैसे फल आते हैं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो देखते हैं अनिषेक फलन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। अनिषेक फलन शब्द को सबसे पहले नैल ने दिया था। सामान्यतः निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, जो नॉर्मली क्या होता है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी जो बिना निषेचन के अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं, मीन्स कि नॉर्मली होता क्या है निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होते हैं, लेकिन अनिषेक फलन की प्रक्रिया में क्या होता है प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। तथा इस प्रकार से बने फल क्या कहलाते हैं, अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। इस प्रकार से बने फल क्या कहलाते हैं, अनिषेक फल या अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास। मीन्स की अनिषेक फलन के ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से अनिषेक फलनी फल का उदाहरण है, तो आपको इन्हीं किसी केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास में से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और इसके साथ और अन्य दे देंगे जो अनिषेक फलन का उदाहरण नहीं होता है, तो उसको आपको टिक कर बताना होगा कि हाँ ये अनिषेक फलन अनिषेक फलनी फल है।
और इसका एक मेन कैरेक्टर और होता है कि अनिषेक फलों में जो बीजांड में बीज परिवर्तित नहीं होते, मीन्स कि इसके बीजांड बीज में नहीं परिवर्तित हो पाते, अर्थात जो इसका फल का निर्माण होता है, फल इसका रहता है बीज रहित, मीन्स कि इसमें जो फल पाए जाते हैं वे बीज रहित होते हैं। अनिषेक फलिनी फल को आर्थिक रूप से बीज रहित फल में परिवर्तित करने के लिए, मीन्स कि अनिषेक फलिनी फल को बीज रहित फल में परिवर्तित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि NAA, और इनके छिड़काव से ये क्या कहते हैं, इनको प्रेरित करके इसमें जो बीज फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको रोक दी जाती है और जो फल का निर्माण होता है वो बीज रहित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता सामान्यतः अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में था वो था कि बहुभ्रूणता के जनक कौन है, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुभ्रूणता होता क्या है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। मीन्स कि सामान्यता क्या होता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण का निर्माण, एक बीज में एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं और यह क्रिया कहलाती है क्या, बहुभ्रूणता। इसी क्रिया को ही कहते हैं बहुभ्रूणता। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होती है, मीन्स कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष अगर उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह प्रक्रिया संपन्न होती है, अथवा यह भ्रूण कोष की अंड कोष का, या तो भ्रूण कोष इसके अलावा भ्रूण कोष के अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, जैसे भ्रूण कोशिका की अन्य कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका होंगे, सहायक कोशिका से भ्रूण के निर्माण, सहायक कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, तो वह बहुभ्रूणी उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए संतरा तथा पाइनस। कभी कभी बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप एग्जाम्पल में संतरा और पाइनस को दिमाग में रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसको अगर फिगर के माध्यम से देखें तो यह जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये होती है पाए झिल्ली और ये क्या कहलाते हैं, नाभिका। ठीक, और ये सामान्य एक भ्रूण है। ठीक, सामान्यतः एक भ्रूण ये जिसका निर्माण होता है जायगोटिक एम्ब्रियो यूबनस भ्रूण से। ठीक, लेकिन अभी बताया कि इसकी सहायक कोशिकाओं से या अन्य किसी माध्यम से इसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, वही प्रक्रिया कहलाती है बहुभ्रूणता। मीन्स कि मेनली तो इसका निर्माण होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे कलर से दिखाते हैं, जैसे ये हो गया, 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 ये सभी क्या कहते हैं भ्रूण के, ये सभी भ्रूण ही हैं। तो ये सभी इन इन सभी का फॉर्मेशन जब हो जाता है किसी एक बीज में तो यही प्रक्रिया कहलाती है बहुभ्रूणता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है रिजवर्ती बीजांड या आर ऑर्थोट्रॉपस बीजांड की अनुलंब काट का स्वच्छ रेखा चित्र बनाइए, मीन्स कि रिजवर्ती बीजांड या आर्थोट्रॉपस बीजांड को का एक स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या कहते हैं, बीजांड के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी को, बीजांड के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को ले लिया। बीजांड के मुख्य 6 प्रकार होते हैं जिसमें अभी हम सबके बारे में बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पहला देख लेते हैं रिजवर्ती बीजांड यानी आर्थोट्रॉपस बीजांड की संरचना होती कैसे है और इसमें क्या क्या होता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये रिजवर्ती बीजांड का ही चित्र है। इसमें क्या कहते हैं रिजवर्ती को बोलते हैं इंग्लिश में आर्थोट्रॉपस। आर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स कि सीधा, और ट्रॉपस
टॉपस का अर्थ होता है एटम, एटम का मतलब होता है धारण करना, मीन्स कि वह बीजांड जिसमें पाए जा जिसमें बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार तथा निभाग, मीन्स कि बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट, अर्थों का मतलब क्या होता है स्ट्रेट, एक सीधी रेखा में ये तीनों पाए जाते हैं, ऐसा बीजांड कैसा कहलाता है, ऋजुवर्ती बीजांड। आप देख लीजिए चित्र में, ये जो खुली हुई संरचना है ये पोर्शन कहलाता है बीजांड द्वार, ठीक, माइक्रोपाइल, और ये जो केंद्रक नुमा संरचना है ये कहलाता है आपका भ्रूणकोश, ठीक, और भ्रूणकोश के बाद ये डॉटेड जो संरचना है ये कहलाती है आपके निभाग या चलेजा, और जिससे ये समस्त बीजांड की संरचना टिकी हुई होती है उसको बोलते हैं, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे लिख दे रहा है, बीजांड ग्रंथ, ये संरचना बीजांड ग्रंथ कहलाती। अभी इसमें बताया क्या है कि जिस प्रकार जिस बीजांड में बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार तथा निभाग, मीन्स कि बीजांड द्वार, ये हो गया आपका बीजांड द्वार, ये निभाग तथा बीजांड ग्रंथ एक सीधी रेखा में, ये देखिए एक सीधी रेखा में है तीनों की नहीं, बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड ग्रंथ ये एक सीधी रेखा में होते हैं, इसी को ही बोलते हैं ऋजवर्ती बीजांड या आर्थोट्रोपस बीजांड। अगला देखते हैं अगला प्रकार क्या है, अधोमुखी या एनाट्रोपस, एना का मतलब होता है बैकवर्ड, मीन्स की बैकवर्ड, बैकवर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं उल्टा, ट्रोपस का एटम, एटम मीन्स धारण करना, तो मीन्स की जिस प्रकार के बीजांड में बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तथा निभाग ऊपर चला जाता है, मीन्स की बीजांड ग्रंथ, ये हो गया आपका बीजांड ग्रंथ, और बीजांड द्वार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तथा निभाग, निभाग का जो पोर्शन है वो दूर चला जाता है। अच्छा चित्र में आप खुद ही देखिए, ये हो गया आपका बीजांड द्वार का पोर्श पार्ट, और ये है आपका ये भाग कहलाता है बीजांड ग्रंथ, तो ये दोनों समीप आ गए, जबकि इसी के संदर्भ में देखें तो निभाग, निभाग की पोजिशन यहां पर चली गई, मीन्स कि बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ तो समीप में आ गए तथा निभाग दूर चला गया, तो ऐसे बीजांड कैसे कहलाते हैं, अधोमुखी या एनाट्रोपस बीजांड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अनुप्रस्थावर्त बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड, हेमी का मतलब होता है हाफ, एना का मतलब अभी बताया बैकवर्ड, ट्रोपस का मतलब होता है एटम, एटम मीन्स की धारण करना, मीन्स की ऐसे बीजांड जिसमें पाए जाने वाला बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार एक दूसरे से समकोण पर स्थित होता है, मीन्स की ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड ग्रंथ तथा बीजांड द्वार एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, इस प्रकार के बीजांड को अनुप्रस्थावर्त बीजांड या हेमी एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। समकोण कैसे बनाता है ये देख के बीजांड ग्रंथ यहाँ पर दिखाया गया, ये आपका बीजांड द्वार और ये हो गया बीजांड द्वार, ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये है आपका बीजांड ग्रंथ, ये हो गया बीजांड ग्रंथ, ठीक, मीन्स की बीजांड द्वार ये हो गया और बीजांड ग्रंथ ये। अच्छा इसकी पोजीशन अगर देखी जाए तो बीजांड द्वार के संदर्भ में देखते हैं तो बीजांड द्वार की बीजांड द्वार ये है, और इसके संदर्भ में देखें तो ये बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ एक दूसरे से समकोण बना रहे कि नहीं, तो मीन्स की, और इस अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा बीजांड ग्रंथ एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं उस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थावर्त या हेमी एनाट्रोपस बीजांड, तो ये हो गया आपका हेमी एनाट्रोपस बीजांड। नेक्स्ट अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस बीजांड, ठीक, एम्फीट्रोपस बीजांड में यह बीजांड अधोमुखी बीजांड के समान ही होता है, ठीक, ये जो बीजांड होता है अधोमुखी बीजांड के समान ही होता है, अंदर सिर्फ इसमें इतना होता है कि बीजांड के साथ साथ भ्रूण कोष में भी वक्रता आ जाती है, मीन्स की बीजांड कोष के साथ बीजांड के साथ साथ मीन्स बीजांड तथा बीजांड कोष दोनों में ही वक्रता, यानी कि थोड़ा सा कर्व शेप में आना चालू हो जाते हैं,
और जिससे भ्रूण कोष की जो संरचना कैसी हो जाती है, भ्रूण कोष की संरचना हो जाती है जैसे किडनी नहीं होता, सेम का बीज आपने देखा होगा, सेम का बीज और किडनी दोनों के लगभग लगभग स्ट्रक्चर समान होता है। तो इसमें भ्रूण कोष की संरचना ये देखिए किडनी लाइक यानी सेम की तरह है या नहीं। तो इसमें भ्रूण कोष की संरचना तथा बीजांड, बीजांड ये जो समस्त संरचना है ये कहलाती है, ये कहलाते हैं बीजांड। तो भ्रूण कोष ये हो गया, बीजांड ये। तो भ्रूण कोष भी हल्का सा कर्व हो रहा है तथा बीजांड यानी कि ये वाली संरचना भी हल्का सा वक्र उसमें बदल रही है, जिससे भ्रूण कोष की संरचना एक किडनी के समान हो जाती है। अगला देखते हैं कौन सा है, वक्रवर्त यानी कंपाइलोट्रोपस बीजांड। कंपाइलो का मतलब होता है कर्ड यानी कि वक्रित, वक्रित ट्रोपस का एटम, एटम निर्धारण। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड अपने व्रंथ पर घोड़े के नाल की आकृति में स्थित होते हैं। मीन्स कि इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड व्रंथ या भ्रूण कोष होता है उसकी संरचना कैसी हो जाती है, घोड़े के नाल के आकार की। अच्छा घोड़े के नाल के, घोड़े के नाल की संरचना कैसी होती है, कुछ इस प्रकार होती है। ये हो गया आपका भ्रूण कोष, भ्रूण कोष कुछ इस संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी क्या कहते हैं बीजांड होते हैं वे कहलाते हैं वक्रवार्त या कंपाइलोट्रोपस बीजांड। अगला लास्ट है कुंडलित बीजांड या सरसिनोट्रोपस बीजांड। सरसिनो का मतलब होता है अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। मीन्स कि ऐसा बीजांड, बीजांड जो चारों ओर से घिरा रहता है। इस प्रकार के बीजांड रिजवर्ती बीजांड की तरह ही होते हैं। ठीक, ये जो बीजांड होते हैं जैसा आपने पहले सबसे पहला देखा था रिजवर्ती या ऑर्थोट्रोपस बीजांड उसी प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये अधोमुखी भी होते हैं, मीन्स कि अधोमुखी भी होते हैं, अधोमुखी सेकेंड टाइप बताया था। किंतु ये पूर्ण वृद्धि होने पर, किंतु जब ये पूर्ण रूप से इनमें वृद्धि हो जाती है तो ये अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। जैसे ये आपका रिजवर्ती बीजांड का है, जैसे पहले बताया था सबसे पहला बीजांड के प्रकार में रिजवर्ती के प्रकार का ही है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूम जाता है अर्थात बीजांड व्रंथ लंबा हो जाता है। ये बीजांड व्रंथ है, ये बीजांड व्रंथ की संरचना अन्य की अपेक्षा थोड़ी लंबी हो जाती है। बीजांड व्रंथ लंबा हो जाता है जिससे ये बीजांड को अपने चारों ओर घेर लेता है। मीन्स कि ये बीजांड व्रंथ बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है और रिजवर्ती बीजांड इसके अंदर पैक हो जाता है। और ये एक क्या कहते हैं सर्किल, कुंडलित नुमा संरचना का निर्माण करता है जिससे इस प्रकार के बीजांड को कुंडलित बीजांड या सरसिनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थे अच्छा ये 6 टाइप्स के होते हैं बीजांड जिसमें से 6ों के बारे में हमने बता दिया। तो एग्जाम में हो सकता है कोई 2 आपको दे दे और बोले लॉन्ग में कि 2 का आप सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप इनका चित्र बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितनी इसमें थ्योरी लिखी है, जितना भी इसमें थ्योरी पोर्शन है इतना लिख दीजिए, बहुत है, आपके नंबर इसमें एक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र का नामांकन कीजिए। ये लॉन्ग में तो ऐसे नहीं आएगा लेकिन क्या कहते हैं इसका सचित्र वर्णन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक, ये चित्र किसका है पहले तो आप यही बता दीजिए। ये चित्र है लघु बीजाणु धानी का, लघु बीजाणु धानी का ये चित्र है। इसके इसमें जितने भी मार्क हैं बी सी डी ई एफ इनका हमें नाम लिखना है। ठीक, चलिए नामांकन किए देते हैं। ये जो मध्य में है जो समस्त संरचना को क्या कहते हैं जब बीजाणुधानी की संख्या वाला क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि ये होते हैं संवहन ऊतक यानी संवहन पुल, संवहन पुल ये क्या है संवहन पुल है। जो मध्य भाग है ए पॉइंट है संवहन पुल कहलाता है। बी
बी कहलाता है क्या? सबसे बी वाला देखिए, इसमें दिखा रहा है सबसे बाएं परत। बाएं परत क्या थी? इसको बाएं भित्ति, इसको बोलते हैं बाएं भित्ति। बाएं भित्ति के बाद हमने बताया था कि बाएं भित्ति के जस्ट बाद की संरचना क्या कहलाती है, जो कि सी में दिखा रहा है, ये कहलाती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, यह स्तर क्या कहलाता है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद बताया था जो त्रिस्तरीय संरचना होती है, त्रिस्तरीय संरचना यह कहलाती है मध्य स्तर। त्रिस्तरीय संरचना कहलाती है मध्य स्तर। मध्य स्तर। और मध्य स्तर के बाद एक क्वेश्चन था कि लघु बीजाणु धानी की भीतरी संरचना, लघु बीजाणु धान की भीतरी सबसे भीतरी परत कौन सी होती? तो लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत वाले में हमने आंसर क्या बताया था? इसी तरीके की कोशिकाओं की संरचना के बनाई थी। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टेपिटम। टेपिटम यानी कि ये टेपिटम। और सबसे भीतर में हमने क्या बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिसमें परागकण सुरक्षित रहते हैं, एपिटम। और सबसे अंदर का जो भाग होता है यह कहलाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, कहलाते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अगर नामांकन के लिए आएगा तो ये आपका हो सकता है कि 2 या 3 नंबर में दे दे, लेकिन अगर आपसे बोल देता है कि लघु बीजाणु धानी का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन के लिए आप ये हमेशा 5 में ही आएगा। अच्छा, इसकी अगर थ्योरी लिखनी हो तो हम इन्हीं जो पॉइंट है इन्हीं की हेडिंग बनाकर इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। जैसे वायुभित्ति, वायुभित्ति लघु बीजाणु धान, इसके बारे में अगर लिखना होगा तो हम 2 लाइन कैसे लिख सकते हैं? लघु बीजाणु धानी की सबसे वाह स्तर जो होती है, वाह परत होती है, उसको वाह भित्ति कहते हैं, जो लघु बीजाणु धानी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का हम बताएंगे कि स्थिति क्या होती है। एंडोथीसियम वाह भित्ति तथा मध्य स्तर के मध्य पाए जाने वाली परत यानी स्तर को एंडोथीसियम कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या लिखेंगे? एंडोथीसियम के बाद त्रिस्तरीय संरचना जो पाई जाती है उसे कहते हैं मध्य स्तर। यह एंडोथीसियम तथा टेपिटम के मध्य स्थित होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेपिटम। टेपिटम के बारे में दो तीन लाइन लिखेंगे। टेपिटम के बारे में तो इसके पहले जो शॉर्ट आंसर था उसमें हमने डिस्कस किया ही था। टेपिटम क्या होता है? मध्य स्तर के बाद तथा लघु बीजाणु धानी में सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम की। टेपिटम का कार्य होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या परागकणों की सुरक्षा करना तथा उनको पोषण प्रदान करना। और लास्ट में होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही परिपक्व होकर परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज टोटल हमने 15 क्वेश्चन देखे। तो आप लोगों को अगर जैसे ये सभी क्वेश्चन और क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो तो आप ये जो लिंक यानी कि ये QR कोड है इसको आप स्कैन कीजिएगा। आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पे AVS की पाठशाला में जुड़ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए AVS की पाठशाला टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जाइए। आपको पूरा नोट्स विद फिगर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बताइए कि आज ये बायोलॉजी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, आप लोगों को कैसा लगा? तथा कमेंट करके ये बताइए कि हाँ, इसमें आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हम बताइए, हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या वीडियो में कोई कमी हो तो आप बताएंगे तो थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।